दोस्तों, दोस्तों दुनिया में दुनिया कुछ में ऐसे ऐसे लोग भी लोग भी होते होते हैं जो हैं जो दुनिया दुनिया से से अलग अलग सोचते सोचते हैं हैं और और हमेशा हमेशा कुछ कुछ नया नया करने करने की की कोशिश कोशिश में में लगे लगे रहते रहते हैं। हैं। उनकी उनकी यही यही सोच सोच उन्हें उन्हें आम आम आदमी आदमी से से अलग अलग करती करती है है और और उनके उनके ऐसे ऐसे ही ही काम काम उनकी उनकी वजह वजह शोहरत शोहरत बनते बनते हैं। हैं। लेकिन लेकिन दुनिया दुनिया में में कुछ कुछ ऐसे ऐसे लोग लोग भी भी मौजूद मौजूद हैं हैं जो जो कि कि अपनी अपनी गुंडागर्दी गुंडागर्दी और और बेपनाह बेपनाह पैसे पैसे की की बदौलत बदौलत इस इस कदर कदर दहशत दहशत रखते रखते हैं हैं कि कि कोई कोई भी भी उनको उनको हाथ हाथ डालने डालने से से पहले पहले हजार हजार मरतबा मरतबा सोचता सोचता है। है। पाकिस्तान पाकिस्तान में में भी भी कुछ कुछ ऐसे ऐसे गैंग गैंग माफिया माफिया मौजूद मौजूद हैं हैं जिनकी जिनकी शोहरत शोहरत की की वजह वजह उनकी उनकी गुंडागर्दी गुंडागर्दी है। है। हम हम पाकिस्तान पाकिस्तान के के कुछ कुछ नामवर नामवर गैंग गैंग माफिया माफिया के के बारे बारे में में आपको आपको बताएंगे बताएंगे जिनकी जिनकी दहशत दहशत के के किस्से किस्से सुनकर सुनकर आप आप हैरान हैरान रह रह जाएंगे। जाएंगे। पाकिस्तान पाकिस्तान में में अंडरवर्ल्ड अंडरवर्ल्ड माफिया माफिया में में जिस जिस नंबर नंबर पर पर आता आता है है फरक फरक खोकर, खोकर, फरक फरक खोकर खोकर ताजी ताजी खोकर खोकर का का बेटा बेटा है। है। ताजी ताजी खोकर खोकर को को खौफ खौफ और और दहशत दहशत की की अलामत अलामत समझा समझा जाता जाता था था और और इसके इसके मुखालिफ मुखालिफ भी भी इसका इसका नाम नाम लेने लेने से से पहले पहले हजार हजार बार बार सोचते सोचते थे। थे। फरक फरक खोकर खोकर का का ताल्लुक ताल्लुक रावलपिंडी रावलपिंडी से से है है और और लोगों लोगों का का कहना कहना है है कि कि फरक फरक खोकर खोकर की की वजह वजह शोहरत शोहरत जमीनों जमीनों पर पर नाजायज नाजायज कब्जा कब्जा करना करना है। है। इसने इसने इस्लामाबाद इस्लामाबाद और और रावलपिंडी रावलपिंडी की की कई कई कीमती कीमती जमीनों जमीनों पर पर कब्जा कब्जा कर कर रखा रखा है। है। फरक फरक खोकर खोकर बेरिया बेरिया टाउन टाउन के के मालिक मालिक मलिक मलिक रियाज रियाज का का फ्रंटमैन फ्रंटमैन है है और और मलक मलक रियाज रियाज के के कहने कहने पर पर ही ही ये ये लोगों लोगों की की जमीनों जमीनों पर पर कब्जा कब्जा करता करता है। है। फरक फरक खोकर खोकर के के पास पास दुनिया दुनिया की की सबसे सबसे कीमती कीमती गाड़ियां गाड़ियां मौजूद मौजूद हैं हैं और और इनके इनके पास पास अपना अपना एक एक हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर भी भी है। है। अब अब बात बात करते करते हैं हैं जफर जफर सुपारी सुपारी की। की। जफर जफर सुपारी सुपारी को को पाकिस्तान पाकिस्तान का का सबसे सबसे बड़ा बड़ा डॉन डॉन माना माना जाता जाता है। है। जफर जफर सुपारी सुपारी का का असल असल नाम नाम जफर जफर खान खान है है और और जफर जफर सुपारी सुपारी रावलपिंडी रावलपिंडी का का रिहायशी रिहायशी है है जबकि जबकि इसका इसका असल असल इलाका इलाका मेहमद मेहमद एजेंसी एजेंसी है। है। जफर जफर सुपारी सुपारी आपसे आपसे कुरान कुरान भी भी है। है। जफर जफर सुपारी सुपारी की की बड़ी बड़ी मूछें मूछें और और बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा सोना सोना पहनने पहनने की की वजह वजह से से लोग लोग उनको उनको किसी किसी गैंग गैंग माफिया माफिया का का रुकन रुकन समझते समझते हैं। हैं। जफर जफर सुपारी सुपारी के के पास पास बेपनाह बेपनाह दौलत दौलत है है जिसकी जिसकी नुमाइश नुमाइश करने करने के के लिए लिए जफर जफर सुपारी सुपारी ने ने सोशल सोशल मीडिया मीडिया पर पर अपने अपने अकाउंट्स अकाउंट्स बना बना रखे रखे हैं हैं जहां जहां वो वो अपनी अपनी दौलत दौलत की की नुमाइश नुमाइश करता करता है है और और लोगों लोगों को को मुतासर मुतासर करता करता है। है। जफर जफर सुपारी सुपारी को को जानवरों जानवरों से से बहुत बहुत प्यार प्यार है है इसलिए इसलिए उन्होंने उन्होंने अपने अपने घर घर में में एक एक मिनी मिनी जू जू भी भी बना बना रखा रखा है। है। आज आज की की वीडियो वीडियो में में बस बस इतना इतना ही। ही। मजीद मजीद इस इस तरह तरह की की मालूमाती मालूमाती और और दिलचस्प दिलचस्प वीडियोज वीडियोज के के लिए लिए हमारे हमारे चैनल चैनल को को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना करना ना ना भूलिएगा। भूलिएगा। मिलते मिलते हैं हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो वीडियो में। में। तब तब तक तक के के लिए लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।